नमस्कार, मैं डॉक्टर एच पी सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट रायपुर। क्या कभी आपको ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही बहुत जोरदार चक्कर आया हो, या बिस्तर पर लेटते ही या करवट बदलते ही आपको ऐसा लगा जैसे सब कुछ घूम गया है, और आपको ऐसा भयानक डर हुआ जैसे आज जीवन का अंतिम दिन आ गया है, प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं। ऐसा अगर कभी आपको हुआ है तो ये बीपीपीवी का लक्षण हो सकता है। तो आखिर ये बीपीपीवी है क्या? इस बीपीपीवी के बारे में जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें वर्टिगो या चक्कर के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं ये बीपीपीवी आखिर है क्या। बीपीपीवी एक एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। बीपीपीवी का फुल फॉर्म है बिनाइन पैरोक्सिज्मल पोजिशनल वर्टिगो। बी का अर्थ है बिनाइन, जिसका मतलब है हार्मलेस, मतलब यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, यद्यपि यह डराता बहुत ज्यादा है। दूसरा शब्द है पैरोक्सिज्मल, जो बार बार हो। तीसरा शब्द है पोजिशनल, मतलब यह एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष सिर की पोजिशन में ज्यादा होता है। और चौथा शब्द है वर्टिगो, यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है चक्कर। यह बीपीपीवी की समस्या इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम की वजह से होती है। हमारे कान में तीन चैम्बर है, समझ लीजिए आप। एक है एक्सटर्नल ईयर, जो बाहर की तरफ है, उसके बाद एक पर्दा आता है जिसे आप सब जानते हैं, उसके बाद जो चैम्बर आता है उसे कहते हैं मिडिल ईयर, और उसके बाद जो थर्ड चैम्बर है वह है इंटरनल ईयर। इस इंटरनल ईयर की गड़बड़ी की वजह से यह बीपीपीवी की समस्या होती है। तो जरा इंटरनल ईयर के भीतर जाकर हम देखते हैं। इंटरनल ईयर के दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक जिसे हम कॉकलिया कहते हैं, यह हमारी सुनने में, आवाज को समझने में मदद करने वाला सिस्टम होता है। दूसरा जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम, यह हमारे संतुलन के लिए, हमारे शारीरिक संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अब ये दोनों ही सिस्टम हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, और एक तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान इनके बीच में चलता रहता है, जिससे कि हम संतुलित होकर अपना सारा काम कर पाते हैं। जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल या अर्धवृत्ताकार नलिया। ये तीन नलियां होती हैं। ये दोनों मिलकर हमारे संतुलन को सही बनाए रखते हैं। यूट्रिकल में कैल्शियम कार्बोनेट नाम के क्रिस्टल्स होते हैं, जो सामान्यतः उसकी दीवार से चिपके होते हैं। कभी कभी चोट लगने की वजह से या झटका लगने की वजह से, या कई बार कुछ बीमारियों की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, या उम्र के बढ़ने के साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स उसकी दीवार से खिसक कर फ्री हो जाते हैं। अब कोई चीज फ्री हो जाती है तो वो डोलने लगती है। तो जब हमारा सिर का पोजिशन चेंज होता है तो कभी कभी ये क्रिस्टल्स हिलते हुए डिस्प्लेस होकर सेमी सर्कुलर केनाल्स के भीतर चले जाते हैं। इन सेमी सर्कुलर केनाल्स के भीतर नॉर्मली ये नहीं होने चाहिए, अन्यथा ये ब्रेन को गलत संदेश देते हैं। तो जब कभी ये क्रिस्टल्स इन अर्धवृत्ताकार नलियों के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तो जब भी ब्रेन की पोजिशन चेंज होती है तो ब्रेन को एक गलत सिग्नल मिलने लगता है कि सिर की स्थिति बदल रही है, और वही चक्कर के रूप में मरीज को महसूस होता है। तो कुल मिलाकर इस बीपीपीवी के लक्षण क्या है? अधिकतर लोगों में यह सुबह सुबह शुरू होता है, जब व्यक्ति सोकर उठता है उस समय ही उसे चक्कर की अनुभूति होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को जब वो अचानक नीचे झुककर काम कर रहे हो, या ऊपर देखते हुए काम कर रहे हो, जैसे अलमारी से कोई सामान निकाल रहे हो, या छत पर कोई काम चल रहा हो और उसे बहुत लंबे समय तक देख रहे हो, तो उसके बाद ये शुरू होता है, और किसी किसी में कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक खास बात होती है अधिकांश मरीजों में कि सिर को हिलाने पर, करवट बदलने पर, ऊपर या नीचे देखने पर यह चक्कर बढ़ता है। कुछ लोगों में यह चक्कर इतना ज्यादा होता है कि लोग स्वयं को संभाल नहीं पाते हैं और गिर पड़ते हैं। 6 साल पहले एक महिला मेरे पास आई थी, जिन्हें इतना भयंकर चक्कर आ रहा था इस बीपीपीवी की वजह से कि उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, मैं पिछले 7 दिनों से बिस्तर में नहीं सो पाई हूँ, चेयर में ही सोते सोते मुझे रात गुजारनी पड़ रही है। इस चक्कर की खास बात यह है कि यह करीब 50% लोगों में बार बार होता है,
और जिन लोगों में बार बार होने वाला हो उनमें से 80% लोगों को पहले साल के भीतर ही हो जाता है। तो इस बीमारी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये बार बार होता है तो आपको घबराहट होने लगती है कि कहीं आगे चलकर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। क्या ये लकवे का लक्षण तो नहीं है, या कोई किसी और गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं है, ये आशंकाएं आदमी को सताने लगती हैं। तो जब कभी इस तरह के लक्षणों के साथ मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये ब्रेन के भीतर समस्या की वजह से हो रहा है या इंटरनल ईयर की समस्या की वजह से या किसी अन्य अंगों के। उसके लिए डॉक्टर एक विशेष प्रकार का टेस्ट करते हैं, एक क्लिनिकल टेस्ट जिसे हम कहते हैं हिट। उसे एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम का प्रॉब्लम है। वैसे अधिकतर केसेस में इसके लक्षण, बीपीपीवी के लक्षण इतने क्लासिकल होते हैं कि बहुत अधिक टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार एस्टैब्लिश हो गया कि ये पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम या इंटरनल ईयर की समस्या है, उसके बाद डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि ये किस ईयर में प्रॉब्लम है और कौन सा केनाल, कौन सा अर्धवृत्ताकार नलिया इन्वॉल्व है, क्योंकि इस पर निर्भर करेगा ट्रीटमेंट। तो उसके लिए एक डिक सल्पाइक पोजिशनिंग टेस्ट की जाती है, क्योंकि अधिकतर लोगों में पीछे वाली नली पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर केनाल इन्वॉल्व होती है, और उसके लिए डिक सल्पाइक पोजिशनिंग टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे आसानी से उससे पता लग जाता है। किसी किसी मरीज में जिसमें एटिपिकल लक्षण होते हैं, जहां पर क्लिनिकल आधार पर डायग्नोसिस बनाने में असुविधा हो रही हो, ऐसे पेशेंट्स में MRI या CT स्कैन कराया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार डॉक्टर कुछ अन्य टेस्ट भी। तो आखिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मुख्य रूप से रिपोजिशनिंग थेरेपी है, जिसमें कि जो पार्टिकल्स केनाल्स के अंदर डिस्प्लेस होकर चले गए हैं उन पार्टिकल्स को वापस यूट्रिकल में पहुंचा दिया जाता है। इसके दो तरीके हैं मुख्य रूप से, वैसे तो और बहुत सारे तरीके हैं थेरेपी के। एक है जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड एपिलीस थेरेपी। इसमें मरीज के सिर को एक विशेष तरीके से मूव किया जाता है, जिससे कि पार्टिकल्स केनाल से निकलकर यूट्रिकल में पहुंच जाते हैं और मरीज को तत्काल लाभ हो जाता है, मैजिकली समटाइम्स। और दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं सिमोंट मैनूवर। इस मैनूवर में मरीज स्वयं एक्सरसाइज करता है, जिसके जरिए उसके पार्टिकल्स केनाल से निकलकर यूट्रिकल में पहुंच जाते हैं और मरीज को लाभ होने लगता है। यह समझने वाली बात है कि एक ही सेशन में कई मरीजों को लाभ नहीं होता है और उन्हें दो या दो से अधिक सेशन करने की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी आपको डॉक्टर देंगे जब आप उनके पास जाएंगे। कुछ मरीजों में जहां पर लक्षण बहुत ज्यादा हो रहे हो, चक्कर बहुत ज्यादा हो रहे हो और इन रिपोजिशनिंग मैन्यूवर से लाभ नहीं हो रहा है, तो उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं। लेकिन इन दवाइयों के इस्तेमाल के समय ये ध्यान रखना होता है कि इन दवाइयों को लंबे समय तक ना लें। कभी कभी इन दवाइयों के लंबे यूज से मरीज को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कुछ दवाइयां होती हैं जो ब्रेन के नेचुरल कंपनसेशन की क्षमता को कम कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ मरीज जो इसे महीनों या सालों तक लेते हैं, उन मरीजों में एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट या पार्किंसन डिजीज के जैसे लक्षण होने लगते हैं। मेरे पास 3 साल पहले एक पेशेंट आए थे जो करीब 1.5 साल से ये दवाइयां ले रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्किंसन के पूरे फ्लोरेड सिम्टम्स आ गए थे और ये भेद करना बड़ा मुश्किल था कि ये पार्किंसन है या दवाई का साइड इफेक्ट है। कुछ मरीजों में जिसमें बहुत लंबे समय तक लक्षण बने रहते हैं, उनमें वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी की बड़ी जरूरत होती है और ये फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। उनके पास आपको जाना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। वे कुछ व्यायाम बताते हैं और कुछ टेक्निक के जरिए आपके बैलेंसिंग सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी आपको इस तरह के लक्षण आए या आपके परिवार में किसी को इस तरह के लक्षण आए जिसमें कि सिर के पोजिशन चेंज करने पर चक्कर आ रहा हो, तो आप घबराए नहीं। यह BPPV हो सकता है और इसका इलाज बहुत ही आसान है अगर सही समय पर सही चिकित्सक के पास जाकर आप अपना इलाज कराएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।